हेलो बालको, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर पर। पहला ऐसा करता हूं मैं कि पहले इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसे मैं कवर करूंगा। एक बात ध्यान रखिए, मैं हो सकता है एक घंटे में पूरा चैप्टर कवर करूं, तो कुछ स्पीड हो सकती है मेरी। आप मतलब स्लो, थोड़ा स्लोमो लगा के धीरे से देख सकते हैं वीडियो को। इससे क्या होगा कि एक डेढ़ घंटे में आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स का चैप्टर अगर आपको मिल जाता है तो आपको रिवीजन मॉड्यूल की तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जिस हिसाब से लगता है कि बच्चों की डिमांड है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चैप्टर को अपने हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ आज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हेड डाल दिए, कॉपी निकाल लीजिए अपनी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, फिजिक्स को ज्यादा मतलब टफ बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, जिससे बायोलॉजी के बच्चे भी फिजिक्स को समझ सके और मैथमेटिक्स वाले तो समझ लेंगे। समझे नहीं समझे, मतलब होता है फिजिक्स को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है सबका। तो फिजिक्स मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मेरी पढ़ाई फिजिक्स को जो बायोलॉजी वाले बच्चे वो भी आसानी से समझ लें और मैथ वाले जो है वो भी आसानी से समझ लें, ठीक है। तो समझेंगे हम आज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम समझते हैं सबसे पहले चार्ज को। ये बेटा 2600 साल पुरानी कहानी है, यूनान के एक आदमी थे, उन्होंने चार्ज के कुछ बताया था, तो वो हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हम नॉर्मल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा जल्दी हमारा चैप्टर कवर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है। तो बेटा चार्ज इज अ इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटा कॉपी निकालिए, जो मैं बोलूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है मैं सारी चीजें बोर्ड पर ना लिख पाऊं, लिखने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर बोल देता हूं तो आप उसे मतलब पॉज करके लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां पे जो मैंने इंटेंसिक प्रॉपर्टी टर्म यूज किया है, इसका मतलब होता है जो कि हर बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होती है, हम उसे कहते हैं इंटेंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज इज अ इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच एनी मैटर या एनी मटेरियल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन, गॉट इट। तो इतनी बात आपने नोट कर ली कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी मैटर की इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात बताओगे कि थ्रू विच जिसके द्वारा एनी मटेरियल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। ये बात आपको चार्ज के विषय में पता चल गई, ठीक है। चार्ज को हम बेटा नॉर्मली क्यों से डिनोट करते हैं, किससे, क्यों से, समटाइम स्मॉल क्यू यूज किया जाता है, आपने आपको जो भी यूज करना है कर सकते हो। चार्ज क्या है, क्यों, क्यू, ठीक है, जिनोशन हो गया चार्ज का। उसके बाद अगर हम देखें कि चार्ज जनरेट कैसे होता है, ये चार्ज मैंने जाना क्या होता है, फिर जाने कैसे उत्पन्न होता है। तो बेटा चार्ज को जनरेट करने के तीन मेथड मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक बेटा होता है कंडक्शन, क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू, यू नो सॉरी कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ये कहा जाता है जब एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, कांटेक्ट मतलब टच किया जाता है, तो क्या होता है, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो टच करने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब टच करने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। उसके बाद दूसरा टॉपिक बेटा आपका है इंडक्शन, क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब होता है, विदाउट टच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विदाउट टच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा मान लीजिए आप एक शादी बारात में गए हैं, बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के पहुंचे शादी बारात में, ठीक है, दूर दूर आप देखते हो दूसरे को और आपको ऐसा महसूस होता है, ओ माई गॉड समथिंग, कुछ जो महसूस होता है, इससे मतलब आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल थी जब घर आप गए थे शादी बारात में, वहां जाते ही आपको क्या हुआ, लग रहा था कि हम चार्ज हो गए हैं, ऐसा फील हो रहा होता है, ठीक। विदाउट टच कंडक्शन हो जाता है ना, उसे इंडक्शन कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं, विदाउट टच कंडक्शन, विदाउट टच ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा हो तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन। थर्ड है बेटा आपका फ्रिक्शन, क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन की हेल्प से भी क्या होता है, फ्रिक्शन की हेल्प से रगड़ना समझते हो ना, रगड़ना, हाँ रब करना, भाई रबिंग क्या करते हैं हम लोग, चार्ज जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये तीन मेथड बेटा क्या हो गए आपके, हाउ टू जनरेट चार्ज, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखेंगे हम आगे कि चार्ज का क्या है, डोनेशन क्या है, मतलब कि फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट, सारी बातें छोटी छोटी बातें समझते हैं। सबसे पहले बेटा चार्ज का फॉर्मूला, यानी चार्ज को हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं,
क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक क्या होता है क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब बात करें फॉर्मूला होगा चार्ज का, उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट की, किसकी बात करेंगे बेटा यूनिट की। यूनिट देखेंगे बेटा क्या है, इसमें दिख रहा तुम्हें एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या बेटी इन्हीं को कहा जाता है बेटा कूलम, क्या कहता है इन्हीं को क्या कहा जाता है कूलम कहा जाता है, कि चार्ज की यूनिट क्या है कूलम है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई तुम लोगों को, तो चार्ज की यूनिट आ गई बेटा। उसके बाद निकालते हैं डायमेंशन, क्या निकालते हैं डायमेंशन, डायमेंशन चार्ज की क्या होगी आई की बेटा ए होती है, टी की टी होती है, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी बेटा ए टी, ठीक है। उसके बाद चार्ज के विषय में और क्या जानना चाहते हो, कैसी क्वांटिटी है ये, तो बेटा क्वांटिटी है स्केलर, कैसी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है स्केलर बेटा। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन इसमें क्या होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मान लो मैंने कहा बेटा आपको जाना है स्कूल, कहां जाना है आपको स्कूल, मतलब आपका मैग्नीट्यूड क्या है फिक्स है, आपको कहां जाना है ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कैसे जाना है, इट्स मीन योर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स। तो बेटा जिन चीजों की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है हम उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपको उत्तर में जाना है, नॉर्थ में जाना है, तो आप सिंपल सी बात है जो अब कहां जाना है तो पता कंफर्म होगा कि स्कूल जाना है या फिर मंदिर जाना है, जहां जाना हो आपको, तो मैग्नीट्यूड नॉर्मल सबका कंफर्म रहता है, बट डायरेक्शन सबकी अलग अलग होती है। जिसमें डायरेक्शन है विद डायरेक्शन है तो वेक्टर, अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा बेटा स्केलर। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने चार्ज का क्या समझा, ये समझ लिया फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये कैसी क्वांटिटी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझने के पश्चात हम आगे और समझेंगे, ये भी जान लो बेटा टाइप्स कितने हैं चार्ज के, टाइप्स प्लस पॉजिटिव चार्ज जिसको कहते हैं, और एक बेटा आपका है नेगेटिव चार्ज, कैसा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखिए ये क्या होता है, व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर देन पॉजिटिव चार्ज इज जनरेट, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर देयर इज नेगेटिव चार्ज इज जनरेट, समझे नहीं समझे। अगर कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है तो बेटा क्या होता है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम ये समझेंगे कि चार्ज की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेटा एक बार समझे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब क्या है इसका, मतलब पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव के पास ले जाओगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाओगे तो क्या होगा बेटा एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब अनलाइक चार्जेस क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के पास ले जाओगे तो बेटा क्या होगा अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा ये होता है कि अनलाइक चार्ज होंगे तो बेटा क्या होगा अट्रैक्शन, और जब सेम लाइक चार्ज हो एक जैसे चार्ज होंगे तो बेटा उसे क्या कहेंगे हम रिपल्सन। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ज्यादा टफ तरीके से नहीं बताऊंगा आपको, नॉर्मल भाषा में ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। साथ में स्पीड में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको थोड़ा और स्लो पढ़ाता हूं क्योंकि पूरा चैप्टर कवर करना तो बहुत सारी बातें इसमें, देखते हैं क्या क्या हो जाता है हमसे आज। तो ये बात आपको समझ में, ये दिस इज ऑल अबाउट चार्ज, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या समझेंगे हम चार्ज की प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ये सब नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट का नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को समझेंगे हम लोग। देखिए बेटा चार्ज, पहली प्रॉपर्टी ये चार्ज की है कि चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, पहले प्रॉपर्टी नोट करिए चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, अभी बताऊंगा क्वांटाइज का क्या मतलब होता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा चार्ज की क्या है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं बेटा, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, चार्ज मेन ऑलवेज कंजर्व, किसी भी बॉडी का चार्ज, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। दो प्रॉपर्टी चार्ज की आपको क्या रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। तो चार्ज की दो प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं, हाउ टू जनरेट चार्ज क्लियर हो गया है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चार्ज हमारा एक टॉपिक कवर हुआ, अब हम अगले टॉपिक पे बढ़। हाँ एक बात होता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, एक बात बाकी रह गई, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन हो सकता है बेटा मुझसे कोई टॉपिक छूट जाए, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगेन फिर नेक्स्ट वीडियो बना के कंप्लीट कर दूंगा उसको, ओके। तो मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन में यह होता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body,
मतलब चार्ज आप बना नहीं सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर। या फिर ऐसे कहता हूं किसी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, चार्ज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। आप समझिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। अब बॉल में आपने लिखा 5 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, ठीक है, ये आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस गोल बॉक्स से हटाकर इसको मैंने क्या कर दिया, स्केयर बॉक्स में रख दिया। मैंने कहा रख दिया इनको बेटा, एक स्केयर बॉक्स में रख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये 7 कूलम, ये 3 कूलम, और बच्चा हमारे पास एक्स। आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, कैसे जानोगे आप लोग इस बात को। यहां पर बेटा टोटल चार्ज काउंट करो, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, यहां पर 14 है, मतलब 14 कूलम चार्ज है। यहां कितना बेटा, 10 कूलम। इट्स मीन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 4 कूलम ही होगी, होगी कि नहीं होगी बेटा। इसे कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्यों कह रहे हैं कि चाहे आप किसी में रखो, उसको बॉडी का चार्ज ट्रांसफर होगा, इधर उधर बदलेगा अपने रूप। देखो यहां पर 5, 3 था, वहां पर 7 और 3 हो गया है, तो ये चेंज हो सकता है बट चार्ज चेंज नहीं होगा। यहां पर टोटल कितना था, यहां पर टोटल कितना था बालक, यहां टोटल देखो तो 14 है, कितना है 14 कूलम चार्ज, यहां पर भी कितना है 10 कूलम, और सो हमने क्या दिया, बचा 4 कूलम। चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे करिए। मान लो यहां पर, मान लीजिए आपका है Q1, Q2, Q3, Q4 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको ये पता, मान लो Q3 मान लो या X मान लो, आप इसको X मान लो, क्या मानो X। आपको ये पता है 5 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 2 कूलम, ठीक है। यहाँ पर भी सी लगा लीजिए आप लोग। यहाँ पर बेटा देखा हमारे पास 7 कूलम और ये 3 कूलम प्लस क्या है बेटा X, इनको सबको जोड़िए तो ये तुम्हारा आएगा 14 कूलम। इनको जोड़िए बेटा ये हो जाएगा 10 कूलम प्लस क्या रहेगा x। यहाँ पे 14 कूलम माइनस 10 कूलम देन वैल्यू यू गेट x, ओके तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, मतलब की बात क्लियर होगी चार्ज कंजर्वेशन की, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखें बेटा, वीडियो फटाफट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है प्रॉपर चल रहा है। तो बेटा ये आपके पास 10 कूलम वाली कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम। अब हम समझेंगे बेटा कि एक्चुअल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी और कहानी भी चार्ज से रिलेटेड बताऊंगा इस चैप्टर में, ये समझिए। देखिए ये चैप्टर आपका किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन चैप्टर पढ़ाने की जल्दबाजी में मैंने तुमको नहीं बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। क्या मैंने बताया बेटा, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्ज पोर्शन पढ़ रहे हैं, वो भी कैसा चार्ज, रेस्ट में चार्ज। अभी थोड़ी देर बाद चार्ज को हम खिसकाएंगे इधर उधर, तब एक चैप्टर आएगा बेटा पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर बता होगा कि चार्ज को हमें स्टोर करके रखना भी तो है। फिर आएगा बेटा चैप्टर आपका तीसरा जो होगा वो होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, क्योंकि हम इसी में आप देखेंगे सीखेंगे चार्ज को कैसे रखा जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है। उसके बाद हम चार्ज में थोड़ा सा मोशन लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मोशन लाइन चार्ज यानी कि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट होती है चार्ज मूव करने लगता है तो एरिया जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू मूविंग चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी मूव कर चलती है तो अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते जनरेट करती है। तो भी आगे बाहर से बटर लॉ पढ़ेंगे, तो चैप्टर को इस तरह याद रखिए कि हम पहले पढ़ेंगे अभी कि चार्ज क्या है, रुके हुए चार्ज की सारी प्रॉपर्टी समझ लेंगे, उसके बाद चार्ज को खिसकाना है, शिफ्ट करना है तो हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोर करना है तो कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ वो दौड़ना चालू कर देता है और जैसे दौड़ेगा हम करंट पढ़ने लग जाएंगे। करंट पढ़ते ही थोड़ी देर बाद वो तेज दौड़ेगा, रैंडमली इधर उधर मूव करने लग जाएगा, तो उसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लोगे आप, उसके बाद बेटा इंडक्शन समझ में आएगा आपको। जब इंडक्शन आ जाएगा उसे और क्या होता है एसी एंड डीसी आ जाएगा, योर मैकेनिकल फिजिक्स इज एंड। बड़ा ही सरल कंसेप्ट है, चीजें बच्चों को अगर समझ में आ जाए तो अच्छे से कर पाते हैं। देखिए मैं आपको, मैं इस मुद्दे से पढ़ा रहा हूं कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे वो फिजिक्स को अच्छे से समझ सके। मैथमेटिक्स वाले के लिए भाई लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये रहता है बायोलॉजी वाले बच्चे को कैसे समझ में आएगा वो बात समझना बहुत कठिन होता है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे को फिजिक्स आ जाए, इस तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत प्रॉपरली इस चीज को समझे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक बात समझो बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज और दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो पॉजिटिव चार्ज की लाइन्स है वो क्या होती है, बाहर जाती है। कहाँ जाती है, हमेशा बाहर की ओर। ये याद रखिए, पॉजिटिव से लाइनें कहाँ जाएंगी, हमेशा बाहर की ओर। एक बात ध्यान रखें इस बात को,
पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहे हैं, वो क्या होंगी? अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है टूवर्ड्स द चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टूवर्ड्स द चार्ज होते हैं, टूवर्ड्स द चार्ज होते हैं, टूवर्ड्स द चार्ज होते हैं, टूवर्ड्स द चार्ज होते हैं। ये बात अभी आपके काम आएगी, ध्यान रखिएगा। ये बात मैंने आपको बताई है कि निगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स द होते हैं और पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द चार्ज होते हैं। गॉट इट? अब हम आगे समझेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्पीड में करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। 1, 2, 3 अब समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा द एरिया प्रेजेंट अराउंड द चार्ज, मैंने क्या बताया बेटा? द एरिया प्रेजेंट अराउंड द चार्ज, समझे? वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं जितना सिंपल तरीके से बोल रहा हूं आप उतनी सिंपल तरीके से कॉपी में लिख लीजिए। आई प्रोवाइड नोट ऑल्सो, बट अभी मैं टेलीग्राम पे अपने मतलब नोट्स भी अपलोड करूंगा। बालको वाली क्लास से टेलीग्राम चैनल होगा आपका, बता दूंगा मैं आपको। मैंने क्या कहा, ये भाई साहब चार्ज है, इसको रखे हम इससे फीड वीड में। अब इसके वजह से परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के अगर कहीं खड़े हो जाओगे तो इतना कंफर्म है कुछ लोग तुम्हें सूंघ कर तुम्हारे पास आएंगे, कुछ लोग चश्मा चश्मा तुम्हारा देख के आ जाएंगे, भैया चलो बहुत हैंडसम आदमी उधर खड़ा है लाइक मी। तो उस सिचुएशन में बेटा क्या होता है कि हमारे द्वारा एक फील्ड क्रिएट की गई है, जहां पर कोई आएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा है, और कोई आएगा तो भैया कास फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा, जानते हो थोड़ा कलर वलर हमारा खतरनाक है। तो बालक इस सिचुएशन है इस चार्ज की, चार्ज में देखा तो भैया वो क्या हो रहा था, ये तो अट्रैक्ट किया जा रहा, बालक यहां पर एक चार्ज टहलता हुआ आया, अभी इसकी फील्ड में नहीं आया, इसके अंडर में नहीं आया। जैसे ही इनकी थोड़ी शिफ्टिंग अगर आगे हुई तो इनको एक्सपीरियंस होने लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो द एरिया प्रेजेंट अराउंड द चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय ई। ओके आगे अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा बिल्कुल मजाक में समझिए, ज्यादा सीरियस हो तो ये फिजिक्स लेकर ओ माय गॉड बहुत कठिन कठिन, धीरे धीरे आ जाएगी फिजिक्स। हाँ मैं मानता हूँ कठिन तो है, लेकिन काम का आपको समझ में आएगा। अब बालक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यस दैट इज इक्वल टू द एफ बाय क्यू। ई का सर आप फॉर्मूला पहले बता दिए, का मतलब है इसका? सुनो एक्चुअल में हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है अच्छी बात है। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी मतलब एक तरह का फोर्स जिससे तुम किसी को दूर भगा देते हो या किसी को क्या करते हो, खींच लेते हो। अब खींचना फेंकना ये किस पर डिपेंड करता है? शादी बारात में तुम मान लो अपनी बहन पापा के साथ शादी में गए हो, हैं वहां दोस्त मिला तुमको, दोस्त मिला तो तुम पापा मम्मी के साथ जो फील कर रहे हो उसे रिपल्सन कहते हैं, और दोस्त की तरफ जो फील कर रहे हो उसे अट्रैक्शन कहते हैं। बट हाउ मच अट्रैक्शन और रिपल्सन यू एक्सपीरियंस, That is known as intensity of electric field. Got it? नहीं got it? Okay, try to understand. मान लिया बेटा किसी चार्ज को क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो, ठीक है? और how much charge, how much force experienced by the that charge is known as electric field intensity. कुछ बातें मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको ऐसे आना चाहिए, एक नंबर का पैजामा वाला काम ना करना, आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कमांडर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट नहीं गॉट इट? चलिए इसका भैया होता है वेक्टर प्रेजेंटेशन दिखा दे, ये वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास ऐसे आया a बराबर f बटे q, गॉट इट? अब हम बात करेंगे u का क्या है, क्या समझेंगे? यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या पढ़ेंगे बेटा? यूनिट। अब यूनिट का होता होगा इसका भैया फोर्स का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलाम, इट्स मीन की का यूनिट का हो गया न्यूटन पर कूलाम। ओके हम समझेंगे डायमेंशन, डायमेंशन। एक मिनट बेटा वीडियो देख लेता हूं, कभी कभी मैं पढ़ाता ही रहता हूं, मेरा वीडियो चलता ही नहीं, अकेले रूम में हूं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखता हूं वीडियो बेटा, हाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो बेटा हमारे यूनिट न्यूटन पर कूलाम, डायमेंशन निकालने वाला अगर हमें, तो न्यूटन मतलब क्या होता है? फोर्स का मामला है। अब यहां न्यूटन का फोर्स का मामला है, तो फोर्स की डायमेंशन अगर आपको याद हो तो MLT-2 होती है, और ये कूलम है, कूलम की क्या होती है? AT होती है। अगर फाइनल लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे? MLT, T ऊपर जाएगा बेटा, ये T ऊपर जाता है, T^-1 हो जाती है, समझ रहे हो? तो यहां पर जाके माइनस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? T-3 और बेटा क्या हो जाएगा? A-1। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ ई हो गई, ठीक है, समझे? डायमेंशन ऑफ ई हो गई। और क्या जानना है इसके में? हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में, ठीक है। अब एक बात समझते हैं
कि देखो बालक ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है मुझसे टॉपिक, क्योंकि अब नॉर्मल टॉपिक जो दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आप इनको अच्छे से सीख लें समझ लें ज्यादा अच्छी बात है। बाकी आप नोट्स बना लीजिए, चिंता ना करें, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मिटा दूं इसको। 1 2 3 अब हम बालक समझेंगे कूलम लॉ को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कूलम वाले में कूलम तो पढ़े नहीं हम। चलो अच्छा एक बात और पढ़ा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन ये समझने के लिए बेटा आपको कूलम लॉ आना चाहिए। चलिए समझते हैं कूलम लॉ को। कूलम दादा का नियम है कूलम लॉ, क्योंकि कूलम नहीं कह सकते, बहुत ओल्ड एज आदमी है, इनको कूलम कहना थोड़ा उचित नहीं है, समझ रहे हो तुम मेरी बात। वो पुराने आदमी है भाई, वो फ्रांस थे, शायद फ्रांस के थे, हाँ फ्रांस का ही थे ऐसा मुझे याद है। 1768 पता नहीं कब लॉ दिया था इन्होंने, समझो ऐसा कुछ दिया था। मान लिए दो पॉइंट चार्ज हैं ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस आर है। देखो एक बात समझना मैं बताऊंगा, चार्ज और मास। एक न्यूटन दादा का नाम अगर तुम्हें याद हो तो उन्होंने एक नियम दिया था, F = gm1m2/r2। याद है तुम लोग को? ये नियम दिया था जी न्यूटन दादा ने क्या बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसके? मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। समझे? ये था कूलम का नहीं, ये न्यूटन बाबा का नियम था। सेम से सेम इनको देख कर रंग इनको चढ़ गया, देखो क्या कर दिया ये। कुछ ये कहे, ये मान लो बेटा आपका Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अरे यार मजाक कर रहे हैं काम, कॉपी निकालो लिखो। हमने क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्जेस, यानी Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर, वो भी किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली और डायरेक्टली में मतलब पता हो तुमको, ऐसा समझते हैं हम, पता ही होगा, लेकिन चलो फिर भी बताता हूं। अगर ई बढ़ेगा तो ई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ई बढ़े तो ई भी बढ़े। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है, एक बढ़े तो दूसरा भी धड़ाधड़ बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेंगे तो ये घटेंगे, ये घटेंगे तो ये बढ़ेंगे। इनवर्सली मतलब उल्टा उल्टा, एकदम गॉट इट। समझ गया पूरी बात? ई था आपका कूलम का लॉ, समझे? फाइनल, इसको फाइनल कर दिया अभी, कूलम लॉ कैसे आ गया सर? देखिए इसे लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 Q2/r2। अब कुछ बच्चे सोचे ये तो अलग अलग था, हुआ एक में कैसे हो गया? अरे भाई फोर्स जितना इस पे लग रहा है, फोर्स उतना उससे पे लग रहा है, सेम फोर्सेस हैं, इसलिए हमने साथ दोनों को साथ लिख दिया। अब तुम सोच रहे हो अभी तो यार 1/r था, ये पजामा ऐसा नहीं सोचना है, वो इसको चाहे तुम 1/r2 लिखो और चाहे तुम इसको, बड़ा गंदा हो जाता है, इसे क्या करें r2 लिखो। सेम बात है, कैसी बात है? सेम बात है। इन भाई साहब को हटाओगे तो यहाँ नया कॉन्स्टेंट लाओगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r2। दिस इज योर कूलम लॉ, सीधा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ये आपका कूलम लॉ। ओके पेपर में जरूर आएगा ये बात, दिमाग में बिठा के रखे, ए मेरा टेस्ट कल है बच्चों, समझ रहे हो? हाँ यही आएगा, तो ये बात समझिए बेटा, ऑफलाइन में बच्चों का टेस्ट है ना, वही वाला मसला बता दू। तो ये आपका कूलम लॉ हो गया। चलो इसके वजह से बहुत जानकारी निकालते हैं कि भाई साहब ये नया नया मामला आ रहा है, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। ये नोट कर लिए हो? ठीक है बेटा, तुम 1 2 3 अरे वीडियो पॉज करो, नोट करो। देखिए बालक अब हम ये समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर में ये वैल्यू जो है 1/4πε0 कितने के बराबर होता है। ये 9×10⁻⁹, डोंट ट्राई टू नो हाउ दिस कम, आई विल टेल यू बट नॉट नाउ। ओके ये बालक हो गया आपका, इसका वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हाँ कभी गड़बड़ हो जाए कोई चीज तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ये नहीं है ना ओ माय गॉड सर ने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं बाय मिस्टेक, हो सकता है इंसान गलती हो सकती है बेटा। ये 1/4 इतनी होगी वैल्यू,
और इनका अपना भाई साहब का वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इन्हें। हाँ, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर, ये बेटा पेपर में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे भाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दो। और भाई साहब तुम्हारा बैक बेंचर जो पीछे बैठा होगा तुमसे इसका वैल्यू बताओ, तो ये है उसकी वैल्यू। ओके तो ये हम लोग को समझ में आ गया भैया। अब कूलाम पर बेस कोई नियम आएगा, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। सर एक करा दो, चलो क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग करके दिखाओ बेटा उसको। 1 2 3 बेटा, तो 1 2 3 नोट कर लिया होगा यार। ये एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स में बच्चे का इंटरेस्ट नाम की चीज कोई आती नहीं। ऑफलाइन में तो बच्चे को अच्छा आ जाता है, ऑनलाइन में उतना ज्यादा नहीं आता है। अब तुमको कुछ पूछने का मन कर रहा है बट क्या कर सकते हो, दुनिया ज्यादा है, क्या कर सकते हो, नहीं पूछ सकते हो। सुनो, मान लो मैंने दिया आपको क्वेश्चन एक, टू पॉइंट चार्जेस बेटा आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इनके बीच का जो छोटा मोटा डिस्टेंस है टू मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर कह देता हूँ, ठीक है। इतना बात ध्यान रखो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर दिया मैंने, फिर भी आप समझिए। ये 4 कूलम चार्ज है, ये मान लीजिए आपका 6 कूलम चार्ज, ये आपका 6 कूलम चार्ज क्या है, 6 कूलम चार्ज। और टीचर कहता है चलिए बताइए बिटवीन द चार्जेस फोर्स कितना होगा, ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन है। अच्छा सर ये Q1 दिया है हमारा 4 कूलम, यस। अच्छा सर ये Q2 दिया हमारा 6 कूलम, यस। उसके बाद R दिया है 0.2 मीटर, यस। कोई डाउट है आपको ना, चलो पुटपुटाओ वैल्यू। सिंपल सा अभी टफ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बट अभी नहीं, अभी चीजों को आगे पहले चैप्टर कवर करें उसके बाद न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पर आएंगे 9 × 10⁻¹। मैंने बताया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा वीडियो पीछे है उसमें जानिए न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या होती है, क्या आपको करना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, वीडियो जरूर देखिए आप। तो बेटा यहाँ पर आ जाइए, Q1 कितना है 4, ये कितना है बेटा 6, डिवाइडेड बाय बेटा कितना 0.2 का स्क्वायर, क्या बेटा आर का स्क्वायर था कि नहीं था, था। ऐसे कर सकते हो उसको बेटा, यहाँ पर 9 × 10⁻¹, 4 × 6 बेटा ये 0.2 × 0.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दो बार लिख सकते, नहीं सकते, आर स्क्वायर है। ये पॉइंट हटेगा बेटा, एक पॉइंट हटने में कितना बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, 2 पॉइंट हटने पर 1 0 और बढ़ेगा, है ना। इतनी बात समझ रहे होगे, दिख रहा है देख लो बेटा, हाँ दिख रहा है। तो बेटा यहां पर अगर देखोगे तो ये 2 से 2 × 4 इतनी बात क्लियर, ये 2 से 2 × 4 और 2 × 2 ओके कवर हो गया। बच्चा हमारे पास कितना, ये 2 0 है, ये 9 है, क्या बेटा 9 को 6 को 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 6, सॉरी। तो ये 6 और 9 तो बेटा कितना हो जाएगा 54, कितना 54। और ये 2 0 बेटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्लस के 0 है, ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 की पावर 11, कितना हो जाएगा 10 की पावर 11। बेटा फील ऑफ सिग्निफिकेंस फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पर हम एक संख्या पर पॉइंट लगा दे रहे हैं, ये हो गया पॉइंट, ये 4 उधर चला गया, तो बेटा ये हो जाएगा 10 की पावर 12। देखिए बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, सिंपल सी बात, एफ न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स की यूनिट हो गई, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में आपके, यूपी बोर्ड में सिंपल आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा हाउ एंड वाई लगा देते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब बच्चों को, तो ठीक है 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा शायद, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। मिटाने के बाद हम पढ़ेंगे, आप कूलाम लॉ हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक जो बता रहा था, क्या क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही शायद हेडिंग है, डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए बालक, मान लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट कर लिया, अब समझिए अपनी बुक से भी टॉपिक मैच करते रहिएगा। अब मान लीजिए आपके पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, एक भाई साहब पी पॉइंट पर एक चार्ज और रखा है, ये मान लो आपका क्यू नॉट है, क्या है आपका ये क्यू नॉट, मान लो सिंपल कोई मान लो क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मान लो, क्यू पैसा ना जाओगे तो चलो पॉजिटिव है ये भाई साहब, ठीक है। इसकी वजह से इस पर कितना इंटेंसिटी जनरेट होगा, या समझते हैं कि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज, को एक पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से इस पर, या इसकी वजह से इस पर कितनी इंटेंसिटी जनरेट होगी। वी नो दैट, वट वी नो दैट E बराबर क्या होता है, F बटे Q होता है, क्या होता है, F बटे Q होता है,
अच्छा, और अभी मान ली इक्वेशन नंबर वन मान लिए से, अरे वाह इक्वेशन वन यस। अब बात समझते हैं, थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं क्योंकि हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे Q ऐसे मान लो Q Q0 कितना है बेटा आपके पास? अब सर Q1 Q2 नहीं माने, अरे मान लो दादा मान लो, कुछ भी कह सकते हैं इसको। यहां पर क्या बेटा R2, ये था फोर्स, ये क्या था बेटा फोर्स। अब ये फोर्स की वैल्यू अगर यहां पुट कर दें, कहां कर दें, यहां पर पुट कर दें, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R2 बटे नीचे क्या है Q, ये Q और ये Q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। अरे बालो जी समझो, ये यहां पर मैंने क्या किया, हमें समझ में आ जाता, सुगंध आ जाती है ना, बालो जी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये F का है इतना वैल्यू है, F का कितना वैल्यू है इतना वैल्यू, ये वैल्यू उठा के मैंने इसकी जगह रख दिया, देखो नीचे क्यू था नीचे क्यू ले आए, अब तो समझ में आया, और ये क्यू से क्यू कट गया तो बेटा आपके पास इक्वल कितनी आ गई, ये क्या हो जाएगा Q0 बटे R2 बेटा ये इंटेंसिटी का आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया। इंटेंसिटी अगर डिस्टेंस देकर एक न्यूमेरिकल में निकालने के लिए कहे तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना, मान लो कोई डिस्टेंस दे दिया, अब भाई आप इंटेंसिटी, ये भी फॉर्मूला होता है लेकिन ये तब अप्लाई करना जब आपको आर ना दिया हो, बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को ध्यान में रखना कि जब आर ना दिया हो तब क्या लगाना, ये वाला इंटेंसिटी निकालने के लिए, जब आर दिया हो तो वो वाला लगाना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई बेटा। हाँ अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बड़ा टॉपिक आगे पीछे चल रहा है हमारा। चलो अच्छा वीडियो देखते, हमको लगता है वीडियो लुलुपा रहा है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, कभी कभी कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, और थोड़ी सी साउंड बेटा बाहर की प्रॉब्लम है थोड़ी, मैनेज करिएगा थोड़ा सा, मतलब बच्चा चिल्ला रहा है बाहर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। तो हमने बेटा समझ लिया, इंटेंसिटी समझ ली थी ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब हम समझेंगे बालक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विषय में। बेटा देखिए मैं जानता हूं कि आपको सारे टॉपिक शायद मैं ना पढ़ा पाऊं, हो सकता है वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाए, पर प्रयास कर रहा हूं सारे टॉपिक कवर ही हो जाए। चलिए मैं देखता हूं कहां तक पहुंचता है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी याद करिए, लाइंस लाइन आजकल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो ऑनलाइन है ठीक है, जिसका देखो लाइन पर है क्या कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये तो लिखा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलिए समझिए होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल सिस्टम है, ये का है सर, अरे दादा सुनो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल डाइपोल मतलब एक बार समझाता हूं देखो, डाइपोल डाइपोल का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल हो, कितना पोल हो दो पोल, डाई मतलब दो पोल मतलब पोल, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें दो पोल हो हम उसे क्या कहते हैं डाइपोल। अगर भैया वो होता है बार मैग्नेट केस में तो हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड केस में आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में भैया कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक है, समझे नहीं समझे, इसका नॉर्थ इसका पॉजिटिव इसका साउथ इसका नेगेटिव गटे। तो ये बालक ये हो गया आपका डाइपोल सिस्टम के समय। अब हम आगे कहानी समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बालक ये हुआ का कि मामला ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है भाई, कोई ना कोई लाइन वाइन होंगी, हाँ वही लाइन कैसे हम पढ़ेंगे हम। बेटा देखिए ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, अभी कहानी समझाता हूं मैं पूरी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, पहला पॉइंट नोट करिए, सब बातें पॉइंट में लिखा करिए आपको हमेशा याद रहेगा, ज्यादा कहानी की तरह लिखेंगे ना होती पोटी पत्रा फिजिक्स नहीं आने वाली आपको, फिजिक्स को जितना हो सके थोड़ा रिलैक्स ओके और चीजों को मजाक मजाक में सीख जाइए आप। मैंने क्या कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ओके, पहला पॉइंट ये लिखेंगे ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, बालक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कैसे ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, समझ गए नहीं समझ गए हो। हमने कहा ये भाई साहब ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा ये इधर चले, गड़बड़ ना करना, ये हमेशा इधर जाएंगे ये हमेशा इधर जाएंगे हमेशा इधर आएंगे टिंग टिंग ओके। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने बताया बेटा कि दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस, पहला पॉइंट दे ऑलवेज टर्न पॉजिटिव टू नेगेटिव, ट्रेवल कैसे करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अच्छा सर और क्या होगा, सर और क्या होने वाला है बेटा, दे आर पैरेलल इन नेचर, दे आर पैरेलल इन नेचर, अगला पॉइंट नोट करो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी लिख सकते हो, दे फॉर्म कर्व लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म कर्व लाइक स्ट्रक्चर,
दे फॉर्म्स कर्व लाइक स्ट्रक्चर, और क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑफलाइन का फ्लो नहीं आ पाता ना, ऑफलाइन में होता था और मजा आ जाता है, एमएस कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं लखनऊ में, ओके। तो मामला यह है कि ऑफलाइन का मजा ही कुछ और होता है, जो सच है। अब यहाँ कैमरा वहां चिल्ला रहे या वो हाँ चिल्ला रहे इधर उधर, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ में आगे नहीं आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, वो किनके वजह से होगी, इन लाइंस की वजह से होगी। अब कोई बाहरी चार्ज यहां पर आया, भाई सब खड़ा हुआ है, और जैसे थोड़ा बढ़ा इसके वजह अट्रैक्शन रिपल्शन चालू हो जाता है। तो तीन चार प्रॉपर्टीज बेटा आप पढ़िएगा, जो मैंने बताया लिखिएगा, ये आप याद रखिए, पेपर में ही आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने दो चार आपको इसलिए बताया कि आपको याद रहे। मैं आपको इतना भयंकर तरीके से रेडी नहीं कर सकता, नीट के लिए रेडी कर रहा हूं मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाएंगे, चीजें आपको अगर पता होंगी, सब चीज एकदम डिटेल कठिन तरीके से नहीं पूछा जाता, कुछ बातों की जानकारी आपको नॉर्मली रहनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए तो कहां चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, अच्छा इमेजिनरी लाइंस है ये, अच्छा पैरेलल है, अच्छा इंटरसेक्ट कभी नहीं करती एक दूसरे को, अच्छा ये भी सही है, हाँ ये इंटेंसिटी को डिटरमाइन करती है, अच्छा लो मजाक मजाक में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद हो गई। अब हम बालक याद ध्यान रखना, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन बेटा हमेशा नेगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव की ओर, ये बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल। तो बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन वो पैजामा है, आपको क्या लगाना है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो बेटा हमको ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लियर हो गई हमारी, फिजिक्स के विषय में थोड़ी सी और जानकारी आपके पास इकट्ठा करना है। हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी समझ गए। एक शब्द मेरा बेटा है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बाटा, थोड़ी आवाज बाहर से आ रही है, मैनेज करिएगा, क्या कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये डाई कहा लगाए हैं, इलेक्ट्रिक के आगे, मतलब ऐसा कोई चीज है यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी को आने नहीं देगा, ना ऐसा कोई भी मटेरियल, क्या लिखे कॉन्स्टेंट लिखे हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब क्या होता है, परमिटिविटी, हाँ द रेशियो ऑफ, देखिए बालक होता क्या है, आपने पढ़ा है कि ये जो होता है वैक्यूम में परमिटिविटी और ये मीडियम में परमिटिविटी, हाँ परमिटिविटी बोलते हैं इनको, इनका जो रेशियो होता है बेटा क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, द रेशियो आर एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। वाटर का 81 होता है, ये अब देखिए पूछा गया है, तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, द रेशियो ऑफ ER एंड एप्सिलॉन नॉट दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आगे की नहीं आ गई इसे ही नोट करिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज्यादा धीरे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में शायद ना आए, हाँ थोड़ा दिमाग तेज लाइए, मिटाता हूं इसको। आप पढ़ेंगे बेटा डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, थोड़ा धीरे पढ़ा रहा था ना, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब है बालक, देखो डाई मतलब ऐसा कुछ दूर भगाए, डाई मतलब डाई इलेक्ट्रिसिटी को जो दूर भगाए, ऐसा कोई मटेरियल, कागज ले लो, माइका ले लो, ये माइका का होता मम्मी वाला, नहीं भाई माइका मतलब होता, कभी प्रेस खोला है आपने, जाओ तुरंत खोलो प्रेस, खोलो खोलो बता रहा हूँ, प्रेस खोलो, थोड़ दो मारा दो, अलग कर दो, अलग कर दिया उनका पिंदिया निकल गया नीचे का, हटाओ वहां पर एक थिन चाय के कलर की पत्ती आएगी बेटा, ऐसे कुछ आप देखेंगे तो ऐसी करके एक पत्ती होती है ऐसी, देखना नहीं खुलेगा, अरे मम्मी अच्छा अभी हाँ समझ, पापा जब मम्मी पर ना हो तो लेके हथौड़ी मार तो खोल देना प्रेस को, तो उसमें जो येलो से पीला पीला निकलेगा ना वो माइका होता है, क्या होता है माइका, शायद आप में से किसी ने देखा भी हो, तो माइका होता है, माइका कागज लकड़ी ये सब डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है, क्या है ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ऑल दोज मटेरियल्स व्हिच नॉट अलाउड टू पास द करंट, जो करंट पास होने को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, गॉट इट, ओके जरा धीरे पढ़ाऊंगा तो सोलो कर लो, सोलोमो लगाओ, यू नो द सोलोमो, हाँ ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे बालक, ये डाइपोल डाइपोल कर रहे हो सर, हंगा में मतलब है नहीं क्लियर हुआ, अच्छा डाइपोल देखो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें कितने हो दो पोल हो, मान लो आपने केमिकल पढ़ा है HCl, क्या पढ़ा है बेटा HCl, H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज, इट्स मीन दैट कि ये क्या है एक डाइपोलर सिस्टम है, कैसा है डाइपोलर सिस्टम है, कैसा सिस्टम डाइपोलर, वाटर में भी भैया यही कहानी है, वाटर भी आपका डाइपोलर सिस्टम का है, वाटर भी डाइपोल, तो सर नॉन पोलर का है, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें पोल ना हो उसे नॉन पोल कहते हैं,
कैसे, मान लीजिए बेटा आपके पास CO, ये CO, अब यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO है, ये इसका पास भैया दोनों तरफ तो बैलेंस है एकदम टिंग निंग ठीक। इसका डाइपोल क्या होगा, जीरो, पेपर में आता है राइट एनी टू डाइपोल सिस्टम, तो आपको इनका इनका नाम लिख देना है। और कहे नॉन पोलर बताओ, एक तो ये लिख देना, अरे बेटा आप ये भी लिख सकते हो CCl4, चार तो एकदम बैलेंस है, नॉन पोलर ही होता है बेटा नेचर ठीक है। तो ये नॉन पोलर चीज होगी, पोलर चीज होगी, बुक में दे रखा है फिर भी आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छा लगता मुझे ठीक है। ये तो मोटी किताबें रखी रह जाती है, कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। एक बार एक काम करना, सारी बुक के सारे पेज पलट लेना, जिंदगी में कभी कोई डायलॉग मारे क्या किताब को खोल के देखा है, तो कर वैसे कह देना यस आई हैव ओपन ऑल पेजेस ऑफ माई बुक ठीक है। नोट करता हूँ, मिटा दो उसको, आगे बढ़ता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं, यूपी बोर्ड वाले एकदम शांत हो जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन थोड़ी सीबीएसई वाले बोर्ड वालों की होती है, उनमें रीजनिंग क्वेश्चन आते समझ नहीं पाते, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना बालक तो हर चीज तुम्हें आ जाएगी। और मैं फिजिक्स का बायोलॉजीकरण कर रहा हूं, आई मीन बायोलॉजाइजेशन ऑफ फिजिक्स समझेंगे बेटा। हमने समझ लिया डायलेक्टिक मटेरियल, डायलेक्टिक सर सब कुछ समझ लिया, सर बताना बाकी क्या है। आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डायलेक्ट्रिक मोमेंट, सॉरी डायलेक्ट्रिक मोमेंट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे पहुंच गया हम लोग, बहुत स्पीड है क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला तो होता है पी बराबर क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू वॉट टू एल, ये होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ओके, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज टोटल इज 2L ठीक है। तो बेटा ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम है, देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगी। बालक ये डिस्टेंस, तो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो होगा वही होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें कोई डिफाइन करने लायक ऐसा कुछ नहीं है, हर बुक में एक ही लाइन डिफरेंस नंबर एक वर्ड में लिखी होती है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लिखा ही होता है। अब बालक हम समझेंगे इसका यूनिट, यूनिट समझते हैं यूनिट कैसा है भैया, इसका यूनिट क्यों है मतलब कूलाम होगा, अच्छा ये 12 है डबल मीटर, आप पजामा इसका केवल मीटर, सेंटीमीटर में समझ लेना ये कूलाम मीटर है ओके। अब बालक हम क्या करें, डायमेंशन क्या होगी ओके ओके, एटीएल एटी इसका क्या होता है एटी, और इसका एम मतलब मीटर, यस दैट इज मीटर, एल तो बेटा कहते हैं एटीएल, क्या कहते हैं एटीएल, नहीं सर एटीएल नहीं याद हो रहा, चलो लता याद कर लो आप लोग, एल टी ए ये डायमेंशन होगा इसकी ठीक है। लता तो याद रहेंगे ना, हाँ सर अब याद आ जाएगा, लता लता इसकी डायमेंशन है। अच्छा क्वांटिटी कैसी है भैया, ये वेक्टर स्केलर पूछे बता दें, ये देखो अभी हम मुस्कुराते हुए बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी, अभी थोड़ी देर कमेंट में बता आगे बता देंगे चल के, है ना बता, हम तुमको बता देंगे ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी देर बाद बताएंगे लेकिन ठीक है, मिटा दें इसको। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बालक, के बाद ध्यान रखो बच्चा हमेशा कंफ्यूजन में रहता है इसमें, जब डिस्टेंस कभी डायपोल मोमेंट निकालने की बात आए और डिस्टेंस आपको दी हो तो बेटा डिस्टेंस हमेशा 2L दी जाती है, मान लो 5 मीटर बोला है अगर तो 2L है, ये नहीं हम L निकालेंगे पहले 5/2 ने 2.5, अरे कचरा सेठ ऐसा नहीं करना है, आपको 2L की डिस्टेंस ही 5 मीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर मतलब मीटर नहीं होगा कभी भी, सेंटीमीटर रखे भैया, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिए, जो देगा वो 2L ही देगा, बहुत ज्यादा भी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके साथ मजाक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा मेरे साथ मजाक हो रहा है। तो बेटा ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता बेटा, नॉर्मली आपको थोड़ा सा और फ्लो में लाने के लिए ऐसे ऐसे बातें बता रहा हूँ कि जरा आपको चीजें याद हो जाए, एक तरीके समझ जाए आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आप जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो थोड़ा सा खतरनाक है, कहा है सर खतरनाक का है, समझाते हैं, मतलब हमको ये जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझेंगे बेटा डेरिवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट पी लोकेटेड एट डिस्टेंस आर, ब्रैकेट में लिख दें बेटा एक्सियल, हम एक्सियल पोजिशन पे बात करेंगे।
एक तो समझ लेना एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा। मान लीजिए कोई ये डायपोल है, इसके इस साइड में जब कोई चीज रखेंगे तो हम एक्सियल बोलेंगे, इसके यहां कोई रखेंगे मतलब ये सेंटर में रखेंगे इसके कुछ यहां पर, तो उसे इक्विटोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। तो हम एक डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इस डायपोल की वजह से एट पॉइंट पी, यहां कोई पी कंसिडर करेंगे अभी, लोकेटेड एट आर डिस्टेंस, लोकेटेड एट आर डिस्टेंस, ठीक है। ये आप टॉपिक नोट कर लीजिए। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और आपको चीजें समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा मार्कर वार्कर देख ले, मेरा लाल हरा पीला भी जोड़ लें, लाल हरा नीला पीला जोड़ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मिटाओ उसको। अरे काहे मिटाते हैं सर, रुकिए दो मिनट। चलिए, हमारी आदत है बोर्ड साफ रहना चाहिए। चलो समझो, नोट कर लिया इसको क्योंकि मुझे बोर्ड ज्यादा ही चाहिए। होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात। बाकी बुक में लिख रखा है एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन पेपर में आती है 5 नंबर की, हाँ याद कर लीजिए। सर आपको कितनी जल्दी रहती है, मतलब है। अरे बालक, 1 घंटे में सोचा खबर ही हो जाए। लो फिर से देख लेता हूँ कैमरा, हाँ ये चल रहा है, ठीक है। तो बालक, एक सिस्टम है हमारे पास डाइपोल माध्यम ने बनाया, यहां पर रखा बेटा माइनस, यहां रखा हमने पॉजिटिव। इस सिस्टम का नाम है ए, इस तरफ वाले का नाम है बी, ठीक। एक डाइपोल ए बी, एक डाइपोल क्या बेटा ए बी। अब क्या है बालक देखो, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, क्या है, कोई चार्ज है, समझ लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए, मतलब सेंटर पॉइंट इसका कहां पर होगा, ये, ठीक है, दिस इज 0 पॉइंट, ओके। यहां से इस पी की डिस्टेंस बेटा कितनी है, कितनी है आर, क्या है आर, ठीक है। इसकी इतनी डिस्टेंस को बेटा क्या कहते हो, एल, क्या कहते हो, एल। इसको क्या कहते हो, L, कह लिए ना L। इतना सा तो समझ में आ गया है कि आपने कहा है एक डाइपोल AB है, ठीक है, मान लिया। इसके एक्सियल पोजीशन से, एक्सियल पोजीशन पर R डिस्टेंस पर रखा हुआ है P कोई पॉइंट, ठीक है। इसकी हाफ डिस्टेंस L है, इसकी हाफ डिस्टेंस L है, इतना ही तो है ना सर, हाँ। मतलब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिख देंगे कंसीडर अ डाइपोल AB हैविंग लेंथ 2L एट R डिस्टेंस, P पॉइंट इज प्रेजेंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट वट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस, ओके। इतनी बात समझेंगे आप, ये लैंग्वेज आप लिख देंगे थोड़ा समझ जाएगा टीचर, हाँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि करने क्या जा रहे हैं आप। देखिए अब लैंग्वेज लिख दिया, मैंने बोल दिया है, रिपीट करके दोबारा सुन लो, आराम से नोट कर लो, है, समझते नहीं हो बात को, ठीक है, थोड़ा देख ले चेहरा फिर, चल आप समझते हैं। अब बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अच्छा मतलब इस वाले के चक्कर में इस पर कितनी इंटेंसिटी लग रही होगी, अच्छा सर। तो बालक देखो, यहां पर ये प्लस है तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की होगी। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पर याद करो कि भैया जो प्लस होता है उससे फील्ड क्या होती है, लाइन क्या होती है, बाहर की ओर। यानी यहां पर ये इवन होगा, क्या होगा, मान लो बेटा इवन, इवन बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब वही काम यहां भी सोच लो, अगर ये नेगेटिव जब भी निकालेंगे हम तो नेगेटिव की ओर, नेगेटिव से निकालेंगे तो बेटा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर, किधर होगी, अंदर की ओर। अब ये अंदर की ओर होगी, मैंने पहले बता दिया था तुम लोग को, इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझा तो पीछे जाकर पीछे देखो। तो बेटा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई टू हो जाएगा, समझे इवन ई टू। तो पहले क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज समझ गया, तो इवन बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर। अभी इवन नहीं, केवल ई समझो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले अपने ई निकाला था, नहीं निकाला था, यही तो था 1/4πε0 आर, है ना। अब इसी को मॉडिफाई करके लिखेंगे, मान लेंगे पहला इवन, ये समझाने के लिए था आपको, 1/4πε0 क्यू तो वही है, ठीक है। अब आर क्या है बेटा, आर मतलब क्या है, इसकी वजह देख रहे हैं, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है आर, लेकिन ये भाई साहब एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं यहां पर, इनका हटाओ फेंको नाली में, तो बेटा क्या करेंगे, आर माइनस एल का कितना बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने ये एल को गायब किए हैं कि यार यहां तक आ ही रहा है, भाई साहब बीच में जबरदस्ती आ गए, इनको बाहर फेंक दिया हमने, आर माइनस एल कर दिया। तो बेटा आर माइनस एल, प्लस वाले चार्ज में ध्यान दीजिए, आर माइनस एल, मान लीजिए तो ऐसे याद करता है कि प्लस क्यों से माइनस आर करना है, ऐसा कुछ, चलिए हाँ। तो बेटा हम समझा पाए आपको,
ये लिख लिया आपने। अब डायरेक्शन क्या है बेटा, बी से पी की ओर, तो लिखेंगे बी से पी डायरेक्शन, ठीक, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब वाला क्या करोगे, ई टू बराबर, इसमें डेमो नहीं देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, यहां क्या होगा बालक, यहां इतनी दूरी तक तो ठीक था आर था, लेकिन भाई साहब याद हो रहे इतनी और जोड़ना पड़ेगा, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इतना यहां तक तो था ये जीरो तक, इसके बाद इतना और एक्स्ट्रा हो गया ना हमारे पास, ये जुड़ेगा इसमें, आर प्लस एल लिख दिया, ये माइनस वजह से हो गया बेटा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी पी ए की डायरेक्शन में, पी ए, इसको मत धरो, पी ए की डायरेक्शन में, अंदर क्यों आ रहा ना, डायरेक्शन क्या लिख लो बेटा, पी ए, किधर हो गया बेटा, पी ए। इतनी बात आपको समझ में आई हो आशा करते हैं, प्रयास कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए आप। अब हम कैसे बताएं आपको, मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है कि यहाँ माइनस क्यों हुई, यहाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आर है, तो बीच में ये एल का कर रहा है, मना हटाओ उसको, बाहर फेंको नाली में, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, लेकिन ई भाई साहब एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो माइनस वाले में क्या कहते हैं, मैंने आर प्लस एल किया है कि इतनी दूरी जोड़ रही पड़ेगी हमको, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ई वन आ गया हमारे पास, ई टू आ गया, बस काम हो गया हमारा। अब P पर हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अरे यार समझते नहीं हो बात को तुम लोग, E1 प्लस E2 नेट निकालना है ना, चलिए मिटा रहा हूं इसको मैं, 1 2 3, ये ऑफलाइन नहीं है, पास करके नोट करो, तुम लोग मजाक समझ रखे हो फिजिक्स को, है मतलब फिजिक्स आ क्या गई, तुम लोग को जरा सा सबर नहीं है, हर चैप्टर को अगर मैं एक एक बार में पढ़ा दूंगा तो वो मजाक हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम लोग को आने लग जाएगी फिजिक्स, समझिए नेट ई, ई नेट बेटा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, बट वी नो दैट E1 बट E2 वॉज इन माइनस, सर E2 माइनस में कहा था, अरे पजामे माइनस चार्ज की वजह से था, अगर चार्ज पे माइनस है यानी उस फॉर्मूले में माइनस ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा E2 नेट ही, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्या, ई नेट बराबर E1 हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, ये का था E1 प्लस में था माइनस में होल स्क्वायर, अच्छा सर ये माइनस लगाया हमने, यस सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 की वैल्यू निकाल, पीछे से देखो वही वैल्यू रखवा के, क्यू बटे आर प्लस एल का क्या होल स्क्वायर, इतना लिख पाए नहीं लिख पाए तुम लोग, दोनों E1 E2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, कुछ बड़ा नहीं किया है। अब इमा कॉमन कहा है भाई साहब, ई कॉमन है, ईमा कॉमन है, ये क्यों इसमें है, ये क्यों इसमें भी है, मतलब कॉमन वाली चीज बाहर कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का बचा 1/r - l का क्या स्क्वायर, r + l का भी स्क्वायर, पहुंच गए हम लोग यहाँ पर, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे नहीं पहुंचे यहाँ पर, ठीक है। अब फिजिक्स खत्म, क्या हुआ, फिजिक्स हो गई खत्म, अब मैथ चालू है, नोट किया यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिख देता हूँ, दिख जाएगा, चलो देखो बालक, हम यहाँ पर सिचुएशन करते हैं इसको, उसको उधर कंटिन्यू करते हैं, देखो जैसे ही बेटा वो आया हमारे पास, तो हम करेंगे क्या कि एलसीएम लेंगे, इस भाई साहब को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस भाई साहब को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना, ये जो है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कैसे, यहां पर जैसे कि आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, उधर मल्टीप्लाई कराया, ब्रेकेट बंद करो पहले, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अच्छा सर ये भाई साहब उधर गए होंगे, हाँ सर माइनस लगा है, बीच में माइनस लगा लिया, ये उधर गया होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ा नेट को सेट करता हूँ, डायलॉग हो गया सर, नेट को सेट कर दिया, आप तो टैलेंट है आपके अंदर, हाँ बेटा घमंड नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है, आर को आर से मल्टीप्लाई कराया तो आर स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई आया भैया माइनस आया, एल को एल से कराया एल स्क्वायर आया, उसके बाद दोनों पर स्क्वायर लगाया, यानी भाई साहब इनके पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हुआ ना तुमको तो कमेंट बॉक्स में बता देना, डरो थोड़ी ना यार तुम लोग, और अब मामला ये है कि हम जैसे ही आगे बढ़े, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है कि नहीं होता है, अरे पिता में सब जानते हो गए तुम लोग, उसके बाद अच्छा ए माइनस बी का क्या होता है सर, तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होता है ना, वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, कितना हो गया 2rl,
फिर बेटा क्या लगे पीछे माइनस माइनस लगा है। अब बालक हम इसको मिटा रहे थे, नहीं दिक्कत हो जाएगा हमें लिखने में। नोट कर लिया ना इसको, थोड़ा सा रफ करते हैं इसको इधर किसका उसको। अब देखो हमारे पास आ गया क्या, हाँ ये आ गया। अब माइनस मिटा, ये माइनस में तो ब्रैकेट में रखो, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, ठीक बड़ा ब्रेकर लगाओ और इन भाई साहब को फिर से क्या लिखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिंग डिंग। अब बालक क्या होगा, क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ जाओ बालक। अगर तुमने क्या किया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, जैसे माइनस वो खुलेगा, डिब्बा खुला तुम्हारा भैया, ऐसे लगा था दरवाजा खुला, मत छोड़ो छोड़ दो दरवाजा, देख अंदर जा रहा, देखो धड़ा माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस धड़ा से लड़ाई करेगा क्या होगा, ये भी एल स्क्वायर, इससे जुड़ेगा माइनस का जब प्लस हो जाएगा टू आर एल। समझ में आया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस हो गया, तुम माइनस आ गया, देखो माइनस लड़ाई किया तो प्लस आ गया नीचे, वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना बड़ा मत समझ रहे सर, क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा मैथ है, अरे मैथ नहीं सिंपल मैथ है, समझ में आ रही होगी आपको। अब बेटा आर प्लस का है आर माइनस का है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, लाल पेन से काटता हूं तुम्हें मजा आ जाएगा, नहीं तो आर कट गया, ये प्लस एल से माइनस एल कटा, ये कटेगा का नहीं कटेगा, ये जुड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। अब इसमें लिखते इधर पालक, आप देखो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे टू आर एल, मतलब हमारे पास आ जाएगा नेट आएगा, ई नेट हमारा क्या होगा, क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर आर एल, बेटा कितना नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ई नेट बराबर बेटा कितना आएगा आपके पास, अगर इसको देखा जाए तो क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू टू आर, इसी को मल्टीप्लाई करो तो फोर एल आर हो जाएगा, आर एल हो जाएगा, इसको हम आर फोर लिख लें, अगर ये क्या कर दिए सर आप जबरदस्ती, नहीं बालक कह रहे हैं आर बहुत बड़ा है, किससे एल से, एल बाबा को हटा दो, एल को जैसे हटाओगे यहां से हट जाएंगे, ये हट जाएंगे पावर, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा चार हो नहीं जाएगा, एक नंबर पैजामा हो तुम लोग, इतना नहीं समझते हो, ठीक इतनी बात आ गई बेटा। अगर ध्यान करो तो ट्वेल्व और क्यू का मल्टीप्लाई क्या था, क्या था पी था पैजामो, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पी ये सर टू आर है, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो आप, तो बेटा ये टू जो है इसके साथ आएगा और बेटा नीचे कितना हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, तो ई नेट आपके पास आ गया। चलिए जब तक आप छापन करिए मैं आपको दो मिनट का नहीं एक मिनट का मुश्किल नोट टाइम देता हूँ। चलिए सर फिर भी मैं अपना कैमरा भी देख लेता हूँ, ये हमने बना लिया डायरेक्शन, ठीक है आप साफ चेहरा लग रहा होगा, पानी नहीं पी रहे हम तो, ये भाई नोट कर लिया आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे इक्विटोरियल वाला सिचुएशन, इक्विटोरियल नोट तो कर लिए होगे तुम लोग यार, पता नहीं क्या करते रहते हो, नोट कर लिए होगे हम जानते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा, ये था एक्सियल पोजीशन, सेम टू सेम बेटा हेडिंग डालो, बट वहां जहां एक्सियल लिखा था, जहां मैंने एक्सियल लिखा था वहां इक्विटोरियल कर लेना, क्या कर लेना इक्विटोरियल। अब मैं हेडिंग नहीं डालने जा रहा हूं, आपको कम समय में वीडियो भी चाहिए, लिख भी दूं मैं सब नहीं करूंगा, आप जो मैंने पूरी हेडिंग बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पी, बेटा वो एक्सियल था, अब उठा के इसका इक्विटोरियल कर दो। सर इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है, देखो मान लो पर ये कोई डाइपोल है, सबसे बड़ा इसी का रोल है क्योंकि ये डाइपोल है, एक प्लस एक माइनस, अरे सर इधर माइनस लिया करो आप, अच्छा माइनस प्लस, ठीक है एक मान लो तुम्हारा क्या है बेटा डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है माइनस प्लस। अब ये सिचुएशन तो एक्सियल होती है हमारी, एक्सियल का हम पढ़ लिया, अब हम कहां रखेंगे बेटा इक्विटोरियल पर, कहां रखेंगे इक्विटोरियल पर, ऐसा करते हैं चैप्टर का नाम मिटाते हैं, अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो बालक हाँ मान ली यहां पर हम रख दिए, ये पी पॉइंट हमारा कहां पर है ई वाला पॉइंट, इक्वल इक्वल इक्विटोरियल, इसीलिए नाम दिया गया आधा इधर आधा उधर, इससे की बीच की डिस्टेंस वाला कितनी होगी आर होगी, कितनी होगी आर होगी, माना था नहीं माना था, इधर भी क्या माना था सर, हाँ सर आपने पी तो आर ही माना था, यही है। अब बालक की चीज यहां पर बड़ी है, यहां पर ये वाली चीज ये ऐसे ये ऐसे, ये लाइन कब दिखेगा आपको, अब दिख रहा होगा, चल ऐसे जो चार्ज से इसकी डिस्टेंस दिख रही है मैं,
सर चार्ज को डिवाइड तो करिए, डिवाइड कर डाला वाला, इसे जीरो मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या मान लो, एल मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लो, एल मान लो, मान लिया सर, मान लिया। अच्छा सर, सर ये बताइए इनका डिस्टेंस कितना होगा? अरे पजामा, थोड़ी मैथ तो आती होगी। इफ यू नो द बेस एंड परपेंडिकुलर, इफ यू नो द बेस एंड परपेंडिकुलर, देन एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट हाइपोटेनस। नहीं सर बता दीजिए, मुझे पता नहीं, चलो बताओ। ए और बी डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है ये? ए बी डाइपोल है, ठीक है। देखो बेटा, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल से बात समझेगा। अगर इसे निकालना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये दिस इज बेस, तो बेटा आप क्या करोगे? अरे बोलो यार क्या करोगे, तुम बोलते नहीं हो। तो बेटा सर यहाँ पर बेस है, यहाँ पर सर बेस है, सर बेस हो गया हमारे पास, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास ये क्या आर है सर, ये आर स्क्वायर परपेंडिकुलर आर हो गया सर। इसको ऐसे लिख लें, हम ऐसे लिख लें, इसको पहले देंगे यहाँ पर, हाँ कर सकते हो, परपेंडिकुलर इधर कर लो, यस, क्योंकि ऐसा पढ़ने में अच्छा लगता है सर। अच्छा ऐसे कर लिया, हम लोग ऐसे ही करते थे, अब क्या हो जाए, रूट में आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एच बराबर कितना आ गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया, यानी ये चीज यहाँ कितनी होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितनी होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, लेक्चर समझ में आया बेटा तो कमेंट कर देना, ना आए तो भी बता देना कमियां क्या है, क्या मैं तेज पढ़ाता हूँ, क्या मैं धीरे पढ़ाता हूँ। मैं चैप्टर में थोड़ा सा इजीनेस लाने के लिए आपको ज्यादा टफ भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स को आपको समझ आ जाए उसके बाद आप खुद टफ सीखना पढ़ना जान जाएंगे, फिर आप मुझमें कमियां निकालेंगे आराम से। क्योंकि होता क्या है, जब तक हमें कुछ नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, जब हमें ज्यादा आने लगता है तो हम कमियां निकालने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं हमने सीखा उसी से। प्रयास करिएगा आपको चीजें समझ में आए, इसलिए मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ सब कुछ आपको। तो ये बेटा आपको आ रही है पता चल गया, चलो बेटा इसको। अच्छा नहीं सर मिठाई ना रुकी अभी, चलो मैं लान के देता हूँ, रख लेंगे। अब बालक ये देखो, अगर मैं कहता हूँ मालूम लैंग्वेज क्या रहेगी, कंसीडर अ डाइपोल ए बी हैविंग लेंथ 2L at r distance p point is present at which net electric field intensity will be due to both charge, इतना लिख देना है, इतना जितना मैंने बोला, बाकी फिर आप चालू हो जाएंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, ये सर अब करेक्ट लिख रहा है साफ साफ। अब बालक हम करेंगे क्या, वही E बराबर, एक बात आप जान लो पहले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है सर, यस सर आई नो दिस, ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट कि इंग्लिश में जाना है या हिंदी में जाना है, बहुत ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, भी बता सकते हो लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर आपको है, बट आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इन, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन एवरीथिंग इन इंग्लिश, स्टिल इफ यू हैव द प्रॉब्लम देन अदरवाइज नो कोई। क्या था हमारा, हाँ क्यू आर, आर स्क्वायर है। अच्छा सर बेटा इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है कितनी है, आर, आर की वैल्यू यही तो है ना। अब इसमें मत देखो, इसको देखो, यस सर, तो ऐसा करते हैं हम उसके लिए वो रख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका क्या बेटा आर की जगह बेटा हमने क्या कर दिया, इसको उठा के रख दिया। सर बात बताइए, इसे इवन मान लिया बेटा, क्या बने इवन, इवन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये स्क्वायर और स्क्वायर कट नहीं सकता, काट दे वाला काट दे, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वाह सर समझ में आया। तो सर इसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन इसकी बाहर की ओर होगी, अरे यार तो लो बोर्ड अभी छोटा पड़ गया, देखे दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, अरे थोड़ा सा दिखाई दे रहा, मैनेज करिएगा। ये जाएगा बेटा P डायरेक्शन ऊपर की ओर, कहाँ जाएगा बेटा ऊपर की ओर, ये P से उस तरफ चला जाएगा, ठीक बाहर की ओर, बाहर की होगी यानी कि BP डायरेक्शन, कौन से बेटा BP डायरेक्शन होगी। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस, नहीं यहाँ पे लिखेंगे बेटा माइनस Q, बेटा बेटा मिनट एक मिनट, ओके देयर वाज सम प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज पे समझेंगे बेटा,
हो जाएगा ई टू बराबर 1/4π ε₀। यहाँ क्यों बेटा, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये प्रोसीजर करके नहीं दिखाऊंगा कि स्क्वायर स्क्वायर काटो, आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टूवर्ड्स इट होगी, तो बेटा ये डायरेक्शन इसकी इधर की होगी, ये इधर की होगी, प्लस किधर दी ऐसे डायरेक्शन थी, माइनस किधर होगी ये टूवर्ड्स ए माइनस चार्ज होगी। तो बेटा डायरेक्शन क्या, पी ए की डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन बेटा, पी ए की डायरेक्शन। तो बेटा ये ई1 और ई2 आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, तो ये माइनस की वजह से। अगर देखो बेटा उस बार मैं बता रहा था माइनस क्यों, अब माइनस क्यों, अगर ये माइनस में लेकर चलता, एक बार ध्यान रखो, अगर आप इनको दिखाओ तो साइन मत दिखाओ, अगर मैं आपसे कहता हूं नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ तो बेटा आपको हाथ दिखाने जरूरत नहीं है, बोल दिया ना आपने, आप कहता हूं चलो उधर चले जाओ तब बताना पड़ेगा पीछे जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ। मतलब अगर आप डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे तो आपको माइनस प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस आपकी डायरेक्शन को बताते हैं। तो बेटा ये बात मैंने लिख रखी है यहाँ पर, बेटा अगर आप देखोगे इन लोग को दोनों को जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा जीरो। तब क्या करते हैं हम, मसला समझते हैं, आप समझते बेटा, हमें इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी निकालना है तो कंपोनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट, समझिए बालाजी वालों, इतना पहले नोट कर लो, तुम लोग नोट कर लिया, नोट कर लिया, अरे नोट कर लो, नोट कर लिया, मिटा दे। आप देखिए बेटा कंपोनेंट मेथड क्या होता है, समझाता हूं, सॉरी, देखिए हम इसके इस वाले के ऐसा कुछ देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अब इस वाले का सेस देखे, मान लीजिए यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इसका जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो होगा बेटा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, इनके बीच में जो थीटा होगा, ये थीटा, यहां पर भी थीटा मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, इसके लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा वो इसके अकॉर्डिंग ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इधर इधर ही डायरेक्शन इसके भी होगी बेटा, वो किधर होगी, इधर ही डायरेक्शन होगी। अब बेटा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी दोनों ई1 ई2 की डायरेक्शन क्या है, इधर। बेटा हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है उसे कहते हैं कॉस थीटा, यानी ई1 कॉस थीटा, उधर ई2 कॉस थीटा, यहां ऊपर की ओर जो जा रहा है वो ई1 साइन थीटा, जो नीचे की ओर आ रहा है वो E2 साइन थीटा। वर्टिकल वाले कभी भी एंगल होगे तो साइन थीटा ही लेना पड़ेगा आपको, ये E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, क्या आ जाएंगे कैंसिल, उनकी कहानी खत्म। तो नेट E कैसे निकालोगे सर, तो नेट हम केवल इनकी हेल्प से निकाल लेंगे, E1 प्लस E2, तो नेट E नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 cos, ऐसे नहीं लिखोगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सॉरी, मान लीजिए आपके पास नेट ई निकालना है आपको, तो हो जाएगा E1 cos theta प्लस E2 cos theta, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोथ ई इक्वल, तो बावला हम कह सकते हैं, बावला बता रहा हूं हाँ, तो अगर पूरी तरीके से अगर खोल के करोगे तो E1 कॉमन ले लोगे, इस तरह करोगे, और cos theta 2 cos theta उठ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2E cos theta। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, घंटे ज्यादा हो गया शायद। अब आपके पास 2e cos थीटा हो गया, अब बताइए बेटा e की वैल्यू पीछे क्या निकली थी आपने, 1/4π ε₀ क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो निकाली थी, मार्कर इंक भी डाउन हो गई, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर यही निकाले, नहीं निकाले थे, बगल में क्या चल रहा बेटा cos थीटा, क्या चल रहा है cos थीटा। अब समझिए बेटा ये एंगल जो होगा उतना ही जितना कि ये एंगल होगा। अब बेटा cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां लिख लेंगे cos थीटा निकालेंगे अगर, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस, बेस कितना है l, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा हमारा, ये रूट में कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिख देंगे 2 × 1/4π ε₀ क्यू बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसके बाद cos ये क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। मार्कर रेड से लिखता हूं, आपको दिखाई देना चाहिए बेटा, अगर देखोगे तो 2QL, यस सर फिर से मिल गया, हम इसको 2L कर लेंगे, क्यों कर लेंगे 2L, क्यों क्या होता है, P होता है, तो 1/4π ε₀ यहां P रहेगा, सर इन्हें का कहानी है बेटा, रूट को का कहते हो, रूट को 1/2 कहते हैं सर, इसको का कहोगे 1, अच्छा सर 2 1 2
प्लस थ्री वन थ्री थ्री बाय टू, यानी इन सबको मिला दो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय टू, सॉरी ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर ये मान लिया आपने सर एल एकदम बहुना है, बहुत छोटा है, तब क्या करेंगे सर? तो ऐसा करिए, तब आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखूं नीचे नहीं दिखेगा, अब मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नहीं दिखेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अरे सर नोट भी नहीं किया था, नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पीछे करना। ये देखो, अब जो लिखोगे, मान लीजिए आपने निगलेक्ट कर दिया, तो हो जाएगा ई नेट बराबर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद पी बटे, अगर ये एल हट जाएगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो बेटा हमारे पास बचेगा क्या, केवल आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कट जाएगा, है ना, बचेगा तीन पावर तीन, तो बेटा हमारे पास ई नेट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ठीक है, हमें लगता है मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के, अगर कोई टॉपिक छूटा है तो उसका मैं 5-10 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, मैं सारे टॉपिक देख लेता हूं एक बार, फिर से बेस्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, करिएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा पूरा चैप्टर, अगर आपको अच्छा लगे तो भैया देख लेना, कमेंट वमेंट कर देना, कमेंट वमेंट करके बता देना, शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।